बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेके आई हूँ वो है आलू खस्ता पूरी बनाने की रेसिपी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ये खस्ता पूरी बनाना बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले हम एक बोल लेंगे, इसके अंदर 1 कप सूजी ऐड करनी है फ्रेंड्स, बारीक वाली। इसी के अकॉर्डिंग आधा कप पानी लेंगे। पानी को इसके अंदर ऐड करेंगे और 10 मिनट के लिए इसको ऐसे ही रख देंगे ताकि सूजी अपने अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। अब 10 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स, तो हम इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो इसको 10 मिनट हो चुके हैं, अब इसके अंदर 2 बड़े उबले हुए आलू ऐड करूँगी। आलू को मैंने मैश कर लिया है, अब इसके अंदर ऐड कर दूँगी फ्रेंड्स इस तरीके से। अब हम इसके अंदर 1 कप गेहूं का आटा ऐड करना है, जो नॉर्मली हम रोटी बनाते हैं, चपाती बनाते हैं, वो वाला आटा है ये, हम इसके अंदर ऐड कर देंगे फ्रेंड्स। इसके साथ ही अब हमें ऐड करना है फ्रेंड्स 1 मुट्ठी कसूरी मेथी ऐड करेंगे। कसूरी मेथी अगर आपके पास ना हो तो आप इसकी जगह धनिया की पत्तियां भी ऐड कर सकते हैं फ्रेंड्स। इनको बारीक चॉप कर लेना और ऐड कर देना। इसके साथ ही आधा स्पून नमक ऐड करेंगे। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग ही ऐड कीजिएगा, अपने जायके के मुताबिक। 1 चुटकी हींग ऐड करेंगे, जिससे इसका फ्लेवर अच्छा है और टेस्ट भी अच्छा है और डाइजेशन भी अच्छा रहे। और इसके साथ ही आधा छोटा चम्मच अजवाइन ली है। अजवाइन हाथों से अच्छे से मैश करके इसके अंदर ऐड कर देंगे ताकि इसका फ्लेवर अच्छे से अलग से आए। और 1/4 जीरा ऐड करेंगे फ्रेंड्स। 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 जीरा ऐड किया है फ्रेंड्स। अब हम सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर पानी ऐड नहीं करना है बिल्कुल भी। इसके अंदर पानी का तो इस्तेमाल होगा भी नहीं। अब बिल्कुल भी पानी ऐड ना करें, नहीं तो ये एकदम पतला हो जाएगा। जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, आप प्लीज़ उसी तरीके से इसको बनाइएगा तो बहुत ही परफेक्ट तरीका बनेगा और बहुत ही परफेक्ट पूड़ी बनेगी। तो 1 डो बना लेना है। अगर हमें कम लगा तो जो मैंने जो आटा बचाया है थोड़ा, वो भी ऐड कर देंगे इसके अंदर। तो मैं वो आटा है वो भी ऐड कर देती हूँ फ्रेंड्स। तो पूरा 1 कप आटा इसके अंदर लगा है। तो ये देखिए, हमारा आटा अच्छे से गून के तैयार है। अब हम 1 बड़ा स्पून ऑयल ऐड करेंगे इसके ऊपर और 5 मिनट के लिए इसको ऐसे ही रख देंगे। और इसको एक अच्छी सी मुक्की लगाएंगे। 5 मिनट के लिए इसको ऐसे मुक्की लगाते जाना है फ्रेंड्स, ताकि अच्छे से 1 डो बन के तैयार हो जाए परफेक्ट पूड़ी बनाने के लिए। इस तरीके से फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी पूड़ी बनाने के लिए परफेक्ट 2 बन के तैयार है। अब हम इसकी लोई बनाएंगे। ये हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका है फ्रेंड्स। तो हम पूड़ी बेल लेंगे। हमें पूड़ी ज़्यादा मोटी भी नहीं बेलनी और ज़्यादा पतली भी नहीं। हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, तो अब हम इसके अंदर पूड़ी डालेंगे और फ्राई करेंगे तेल के अंदर। जब हल्का एक तरफ से हो जाए फ्रेंड्स, तब इसको पलट लेना है और इसको इस तरीके से हिलाते जाना है और फ्राई करते जाना है। इसको अंदर ऐसे ना छोड़े, नहीं तो ये फूलेगी भी नहीं। तो ये देखिए, हमारी पूड़ी बन के तैयार हो गई है। अब मैं इसको बाहर निकाल लूँगी फ्रेंड्स और बाकी जो भी पूड़ियाँ हैं सब मैं इसको फ्राई कर लूँगी इस तरीके से। ये देखिए, हमारी पूड़ी अच्छे से फूल के तैयार हो चुकी है और बहुत ही खस्ता पूड़ी बनी है। तो सारी पूड़ी मैंने बना ली है। तो आज का वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना।